नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड। मैं हूँ आपके साथ सोनाली। तो मैं रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम तीरथ सिंह रावत का उत्तरकाशी दौरा, यमुना घाटी के बड़कौट पहुंचे सीएम, कोविड केयर सेंटर का किया निरीक्षण। आईएमए को बाबा रामदेव का जवाब, कहा जिनके कोई इज्जत नहीं वो कर रहे 1,000 करोड़ की मानहानि का दावा। उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में कोविड अस्पताल शुरू, आयुष मंत्री हरक सिंह रावत ने 40 ऑक्सीजन बेड युक्त अस्पताल का किया निरीक्षण। देहरादून में परिवहन मंत्रालय ने किया नियमों में बदलाव, दोपहिया पर माता पिता संग नहीं जा सकेगा 4 वर्ष से अधिक साल का बच्चा। जिले में कोरोना टीकाकरण अभियान जारी, नैनीताल में 42 केंद्रों में लगेगा 45 से ऊपर वालों का टीका। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर ली करवट, कई जगह तेज आंधी के साथ हुई बारिश। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। खबर उत्तरकाशी से, जहां मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पहुंचे बड़कोट। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जाकेदार सिंह रावत को सांत्वना देंगे सीएम। कुछ दिन पहले विधायक की माता का हुआ था निधन, सीएम 1:25 पर। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ कोविड केयर सेंटर का किया निरीक्षण। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का लिया जायजा। बता दें कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्वामी यति वारनन रहे मौजूद। खरसाली यमुनोत्री विधायक के आवास जाएंगे सीएम, साथ ही साथ शिवराज सिंह रावत को सांत्वना देंगे सीएम। कुछ दिन पहले विधायक की माता का हुआ था निधन, वहीं सीएम 1:25 पर उत्तरकाशी मुख्यालय के लिए होंगे रवाना। बड़ी खबर उत्तरकाशी से दिखा रहे हैं, यहाँ मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया, साथ ही साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया। वही राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्वामी यतीश्वरानंद मौजूद रहे। इसी के साथ खरसाली यमुनोत्री विधायक के आवास जाएंगे सीएम, केदार सिंह रावत को सीएम संतावना देंगे। कुछ दिन पहले विधायक की माता का निधन हो गया था, इस तरीके से अब उत्तरकाशी मुख्यालय के लिए सीएम रवाना होंगे। 1:25 पर सीएम रवाना होंगे। बड़ी खबर उत्तरकाशी से दिखा रहे हैं, यहाँ सीएम ने कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसी को देखते हुए सीएम अब खुद जो है निरीक्षण करने पहुंच गए हैं। कोविड केयर सेंटर का जायजा लिया और अधिकारियों से जानकारी ली। बता दें कि केदार सिंह रावत को सांत्वना भी सीएम देंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले विधायक की माता का निधन हो गया था, इसी को देखते हुए सीएम ने दुख भी जताया है और इसी को सांत्वना भी देने जाएंगे। बड़ी खबर उत्तरकाशी से, कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया सीएम तीरथ सिंह रावत ने। जो भी है मैंने जानकारी ली है, निश्चित है कि समय आने पर इस तरह का, मेरा मंतव्य पहला कोविड जो कोविड पेशेंट हैं जल्दी से ठीक हों और उनको हर तरह से पूर्ण रूप से दवाइयाँ ऑक्सीजन ये मिलना चाहिए। और मुझे लगा कि जिस हिसाब से उत्तरकाशी का जिला ये कह सकता हूँ कि इससे जल्दी से निजात पा रहा है, इससे जीत रहा है कोविड से, और अच्छा रिपोर्ट, क्योंकि समय समय पर हफ्ते के अंदर हम ब्रीफ करते हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया, साथ साथ इस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जायजा लिया उन्होंने। वहीं केदार सिंह रावत को सांत्वना देंगे सीएम।
तीरथ सिंह रावत। वहीं कुछ दिन पहले विधायक की माता का निधन हो गया था, जिसके चलते सीएम अब सांत्वना देने पहुंचेंगे। सीएम इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता देहरादून से अशोक कुमार जुड़ चुके हैं। अशोक, जिस तरीके से लगातार खबरें सामने आ रही हैं सीएम को लेकर के, उन्होंने जायजा लिया है कि कोविड केयर सेंटर का, क्या पूरी जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, आपको बता दूं, आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत उत्तरकाशी के दौरे पर हैं, जहां पर सबसे पहले वो बड़कोट के कोविड केयर सेंटर, जो कि हाल ही में डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, उसका निरीक्षण किया है। तकरीबन 10:40 के आसपास बाया चौपर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत उत्तरकाशी पहुंच चुके थे, जहां पर कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया गया, जिसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो नो गांव में है, वहां पर तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, क्योंकि जिस तरह से अभी मौजूदा हालात चल रहे हैं, लगातार पहाड़ों में जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, उसको लेकर खुद मुख्यमंत्री अलर्ट मोड पर है और ग्राउंड जीरो पर रहकर हालातों का जायजा ले रहे हैं। जिसके बाद आज तीरथ सिंह रावत यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत की जो माता जी है, उनका हाल ही में निधन हो गया है, उनके वहां पर शोक संवेदना प्रकट करने के लिए जाएंगे, उसमें वहां पर शामिल होंगे। जिसके बाद उत्तरकाशी में हाल ही में एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बनाया गया है, जिसका आज लोकार्पण भी किया जाएगा। ठीक इसके बाद उत्तरकाशी में एक कोविड केयर सेंटर भी बनाया गया है, उसका भी आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा लोकार्पण किया जाएगा, उसका भी निरीक्षण किया जाएगा। जिसके बाद जो एक कलेक्ट्रेट परिसर की वर्चुअल के माध्यम से बैठक भी ली जाएगी। इसके बाद जनपद में जो तमाम जनपद के जिला अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे, तो कह सकते हैं खुद मुख्यमंत्री जिस तरह से मौजूदा समय की बात करें, तो मौजूदा समय जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, उसको लेकर अलर्ट मोड पर रहकर काम कर रहे हैं। जी अशोक, जिस तरीके से लगातार अब सीएम तीरथ सिंह रावत भी दौरे पर निकल चुके हैं और कोविड लगातार जारी है, अगर बात की जाए जिस तरीके से उन्होंने कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया, उसमें कोई खामियां नजर आई सीएम को? जी अशोक, जिस तरीके से लगातार अब दौरे पर सीएम तीरथ सिंह रावत भी मौजूद है और लगातार दौरे कर रहे हैं, और जिस तरीके से आज वो उत्तरकाशी के दौरे पर है और उन्होंने कोविड केयर सेंटर का जायजा लिया, निरीक्षण किया और जानकारी भी प्राप्त की, क्या उस कोविड केयर सेंटर में कोई अव्यवस्था देखने को मिली? देखिए, चिकित्सा विभाग द्वारा जो भी वहाँ पे जिस तरह से कोविड केयर सेंटर हाल ही में जो बनाया गया है, उसको लेकर आज जब उन्होंने जायजा लिया है, तो जो भी उनको वहाँ पर अगर कोई इस तरह की खामियां, अगर ऐसे तो कोई खामियां नजर नहीं है, लेकिन अगर इस बीच में कोई भी अगर उनको कोई खामियां नजर आती है या कोई व्यवस्था और ज्यादा पहले सुचारू हो सकती है, मरीजों को और ज्यादा अच्छी व्यवस्था मिल सकती है, उसको लेकर भी जो तमाम जो वहाँ पे विभाग के जो कार्यकर्ता विभागीय जो अधिकारी है, उनको निर्देश दिए गए हैं कि जो भी व्यवस्था मुहैया कराई जा सके, मरीजों को आसानी सुविधा वहां पर मुहैया कराई जा सके, ताकि मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी, तो इस बीच में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, मरीज जो परिजन है उनको ऑक्सीजन के लिए जिस तरह से अस्पतालों के दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, अस्पतालों के चक्कर काटने पड़े, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहीं ना कहीं नाराजगी दिखाई थी, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कड़े निर्देश दिए थे कि किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और जो मरीज है उनको भी हर हाल में जो भी सुविधा है उनको मुहैया कराई जाए। जी अशोक, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, जिस तरीके से लगातार कोरोना काल में देखने को ही मिला है लगभग, तो वही जब कोविड केयर सेंटर का सीएम ने निरीक्षण किया, उस दौरान कहीं ना कहीं खामियां दिखी, तो कहीं जिस तरीके से आपने बताया कि ओवरऑल ठीक था, लेकिन जो मरीज है उनका हाल चाल जब जाना, तो उनका क्या रिएक्शन था? देखिए, जब से यहाँ पर हम बात करें कि जिस तरह से जब से ये शिकायतें आनी शुरू हुई, कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी इसमें लापरवाही कहीं ना कहीं दिखाई दी, तो तब से खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अलर्ट मोड पर आकर ग्राउंड जीरो पर, यानी कि कह सकते हैं कि काम करना उन्होंने शुरू कर दिया, कई तरह की जो सेवाएं हैं उन्होंने शुरू करी कि जिससे कि ऑक्सीजन को लेकर या फिर किसी तरह की और अन्य जो परेशानियां मरीजों को अगर इस दौरान आ रही थी, कहीं जिस तरह से एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भागना पड़ रहा था,
मरीजों के साथ आए तीमारदार, उनका साफ तौर पर जिस तरह से कहना था कि उनको अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं या वेंटिलेटर्स की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, किसी तरह की जो दिक्कतें आ रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं ये बातें जो सामने आ रही थी, जब खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अलर्ट मोड पर आए और खुद जिस तरह से जो प्रभारी गणेश जोशी कैबिनेट मंत्री है, जिस तरह से उनके हाथ उनको ये प्रभार सौंपा गया है, वो भी खुद इस तरह से अलर्ट मोड पर आकर तमाम जगहों पर जो भी कोविड केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं उनका निरीक्षण भी कर रहे हैं, उनका जायजा ले रहे हैं, ताकि आने वाले समय में भी किसी तरह की कोई मरीज को कोई दिक्कत ना आए और आसानी से उनको जो सुविधा है वो मुहैया हो सके। जी जी अशोक कुमार, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अब कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण कर रहे हैं सीएम तीरथ सिंह रावत और जानकारी ले रहे हैं। बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया सीएम तीरथ सिंह रावत ने और दौरे पर है तीरथ सिंह रावत और आगे भी वो आगे भी कोविड केयर सेंटर का जायजा लेने जाएंगे। कोरोना महामारी को लेकर आज भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता की, वहीं जिसमें उन्होंने बताया कि भगवानपुर तहसील के अंतर्गत पड़ने वाले सभी ग्रामीणों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उनके द्वारा पिछली 7 मई से भगवानपुर सीएचसी में एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री तथा स्वास्थ्य सचिव से पत्रचार और फोन के माध्यम से आवेदन किया था, जिसको सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई, साथ ही साथ 15 दिन के अंदर ही उसका काम चालू हो जाएगा। प्रदेश में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को और हमारे किसान भाइयों की बदहाल स्थिति को लेकर के हमने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस समय आप देखें कि लगभग 1.5 साल का समय कोविड-19 को हो गया है, लेकिन अब तक भी स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। स्वास्थ्य सेवाएं न मिल पाने के कारण लोगों की जान जा रही है, कोई व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं की गई। हरिद्वार के अटल बिहारी गेस्ट हाउस में मंत्री यतीश्वरानंद और जिले के तीनों चीनी मिल प्रबंधनों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें उन्होंने जिले के सभी मिल प्रबंधनों से गन्ने के बकाया संबंधित जानकारी मांगी। इस दौरान सामने आया कि कई चीनी मिलों पर किसानों के गन्ने का करोड़ों बकाया है। स्वामी यतीश्वरानंद ने सभी मिल प्रबंधकों को 15 दिन में किसानों के गन्ने का बकाया भुगतान करने का आदेश दिया, साथ ही साथ कहा कि 15 दिन में भुगतान नहीं होता है तो गन्ना एक्ट के अनुसार 7.5% का ब्याज चीनी मिलों को देना होगा। जनरल जो अगर 15 दिन के भीतर अगर हुआ होता तब 108, बिल्कुल अगर जो है नहीं है आज गन्ना किसानों का भुगतान लेकर जिलाधिकारी जी, मैं और जितने भी हमारे शुगर मिल के जो प्रबंधक है, 3 शुगर मिल लक्सर लिब्बारेड़ी इकबालपुर शुगर मिल, इनके साथ बैठक की है और ये कहा कि जो गन्ना एक्ट में जो प्रावधान है कि मिल होने के बंद होने के 15 दिन बाद गन्ना किसानों का पेमेंट किया जाए, अगर पेमेंट नहीं करते तो उसके ऊपर 7.5% ब्याज लगाकर उसको पैसा दिया जाएगा। उत्तराखंड कैबिनेट अरविंद पांडे ने रुद्रपुर कलेक्टर सभागार में कोविड-19 की रोकथाम को लेकर जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ समीक्षा कर विस्तृत रूप से जानकारी ली। इस दौरान मंत्री ने कहा कि यह महामारी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी, जिसे जनपद की पूरी टीम ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अच्छा कार्य किया है। जिले में जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में केस आते थे, आज 100 से भी नीचे प्रतिदिन केस आ रहे हैं, 100 से भी नीचे, और लगभग जो रिकवरी का रेट है वो लगभग 90 से ज़्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए सुखद समाचार है। और जो तीसरी लहर की बात की जा रही है,
बच्चों में इंफेक्शन की बात की जा रही है, संक्रमण की बात की जा रही है। आज मैंने जिले की समीक्षा की और मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया है। इसी क्रम में हमने जो जिला अस्पताल के एक वार्ड को हमने बच्चों के लिए एक वार्ड हमने बनाया है। दिनेशपुर में विषम परिस्थितियों को देखते हुए युवाओं ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सफाई करते हुए पूरे परिसर को सैनिटाइज किया गया। वहीं निजी खर्चों से जनता की सेवा के लिए एम्बुलेंस नियुक्त कराया। साथ ही साथ बता दें कि मिशन हौसले के तहत क्षेत्र में युवाओं के निसंकल्प फाउंडेशन के माध्यम से दिनेशपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में साफ सफाई की गई। साथ ही साथ पूरे परिसर को सैनिटाइज भी किया गया। हेल्थ डिपार्टमेंट, बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट में हमने मिशन हौसला के तहत एम्बुलेंस लगाई है। बाकी सफाई अभियान पूरा हमने किया है, क्योंकि हॉस्पिटल में जो स्थिति बहुत गंदी थी, वहाँ पीक पड़ा हुआ था, पोटी पड़ी हुई थी, तो वो सबको देख करके हमने सोचा कि हॉस्पिटल सबसे पहले साफ होना चाहिए, क्योंकि सारे पेशेंट और सारे मरीज यहीं आते हैं। तो इसके तहत हमने पहले देखा कि पहले इसको साफ़ करना ज़रूरी है। तो इस माध्यम से हम लोगों ने, संकल्प फाउंडेशन के माध्यम से हमारी टीम ने इस सफाई अभियान को आज पूरा किया। रुड़की के जलालपुर गांव से दुर्गा कॉलोनी तक निर्माणाधीन नाले को लेकर उस समय विवाद हो गया जब नाला निकासी को लेकर कॉलोनी वासियों ने हंगामा कर दिया। कॉलोनी के दो लोगों का कहना है कि गांव का गंदा पानी नाले के जरिए कॉलोनी में आ जाएगा। साथ ही साथ हंगामा बढ़ता देख रुड़की ASDM और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और बहुमुश्किल लोगों को समझा कर मामला शांत करवाया। कि 2006 से हम इस नाले का विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि कॉलोनी की आबादी के बीच में यह तालाब है और इस तालाब से जो गंदा पानी है, हमारा जो है बोरिंग का पानी है, इसमें जो है इनका लेटरिन का पानी भी आता है गांव का, और इस पानी का असर हमारे पीने के पानी में आएगा। इसलिए सरकार का जो पैसा है इसको मिस यूज ना करके इस पैसे को सही दिशा में लगाएं। आप नाला ले जाओ, स्वागत है आपका, हम बड़ा विरोध नहीं कर रहे, लेकिन नाला यहाँ ले जाओ कि जहाँ आबादी नहीं है, बहता पानी हो, जहाँ कोई जनता को परेशानी हो ना हो। कल हम अपने छतों में नहीं बैठ पाएंगे, हमारे बच्चे महामारी से मर जाएंगे। कोरोना काल के कारण क्राइम मीटिंग में कम संख्या में सम्मिलित हुए कर्मचारियों को देखते हुए SSP हरिद्वार सेंथिल अबुदई ने पुरानी परंपरा को जीवंत बनाए रखने के लिए आधुनिक तकनीकी का सहारा लेते हुए जनपद के प्रत्येक कर्मचारी से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का निस्तारण करने के लिए मीटिंग की गई। साथ ही साथ अंतर्गत कोतवाली मंगलौर से शुरुआत करते हुए SSP द्वारा गूगल मीट और माध्यम से कर्मचारियों की न सिर्फ समस्या सुनी, साथ ही साथ उनका निवारण भी किया। ठीक है, उनका कोई भी समस्या कोरोना का प्रोटोकॉल के हिसाब से भी संभव नहीं होता है, इसलिए गूगल मीट का माध्यम से जिस जहाँ पर उनका पोस्टिंग है, थाने हो या चौकी हो, वहाँ से जो है गूगल मीट माध्यम से उनसे जोड़ के उनका कोई समस्या है या उनका कोई परिवार वाले के कोई समस्या है इस कोरोना काल में, या कोई भी पुलिसकर्मी हरिद्वार में पहले तैनात था, उनका बच्चे इधर अभी रह रहे हैं और अभी वो कहाँ बाहर तैनात, उनका कोई समस्या, इसी बारे में हम विचार करके जो है उनका जो भी समस्या है उसका समाधान करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में जो है हम सोच रहे हैं कि रोज एक थाने में जो है हम सम्मेलन करेंगे, ताकि जो है अगले एक सप्ताह 10 दिन के अंदर जो है सभी थाने का हमारा जो कर्मचारी है, पुलिस के कर्मचारी है, इनसे जो है हम संपर्क करके जो है उनका समस्या का समाधान करने के लिए पूरा थल थाने के नवनियुक्त थानाध्यक्ष विशल लाल ने थाना परिसर से थल के सभी
व्यापारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने व्यापारियों को शासन से मिले गाइडलाइन के अनुरूप दुकान खोलने, साथ ही साथ ग्राहकों के मास्क लगाने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की बात कही। कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए उन्होंने व्यापारी से दुकान में सैनिटाइजेशन रखने के साथ बिना मास्क के सामान न देने की बात कही और कर्फ्यू के दौरान अनावश्यक रूप से लोगों को बाजार में न घूमने की भी बात की गई। आज जो मेरी मीटिंग हुई है, मीटिंग में मेरे द्वारा व्यापारी गणों को बताया गया, एक तो कोरोना के संक्रमण के संबंध में उनको आवश्यक हिदायत दी, दूसरा जो शासन से आदेश निकले हैं कि दुकानें किस किस तरीके से खुलेंगी उससे भी सचेत किया, तथा उनको यही बताया गया कि अगर जब दुकानें खुलती हैं तो जो भी आपके यहाँ ग्राहक आते हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर मंगलौर से है, जहां कोरोना कर्फ्यू के दौरान खाद्य तलों की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। इस कोरोना महामारी के दौरान लोगों के रोजगार ठप हो गया है, साथ ही साथ कोरोना कर्फ्यू के दौरान आवश्यक दुकानें ही तय समय तक खोले जाने तक के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि रसोई घर में उपयोग होने वाले खाद्य सरसों का तेल, रिफाइंड और वनस्पति घी के दामों में तेजी के साथ उछाल आया है। जहां सरसों का तेल पिछले साल 90 रुपये प्रति लीटर बिकता था, वहीं आज 170 रुपये प्रति लीटर प्रति किलोमीटर बिक रहा है। वहीं एक व्यापारी कोरोना काल के चलते ट्रांसपोर्ट महंगा होने का कारण बता रहे हैं। वहीं व्यापारियों का कहना है कि बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों से ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ गया है, जिसके कारण खाद्य सामग्रियों के दामों में तेजी के साथ बढ़ोतरी हुई है, जिसको लेकर के न्यूज संवाददाता ने जायजा लिया। वनस्पति तेलों में, रिफाइंड में, सरसों तेलों में तेजी आई है, वो लगातार है, वो कोरोना काल से पहले से चल रही, पिछले साल जनवरी से लगातार तेज है, और पिछले साल से अब तक इन चीजों में लगभग 60-65% की वृद्धि हो चुकी है रेटों में। तो 30-40% बढ़ गई है। खाने के सारे वो हैं, लोगों पे रोजगार नहीं है, अच्छा घर में ही पड़े हैं, तो सरकार को तो चाहिए थोड़ी बहुत रियायत करे। कोरोना काल चल रहा है, सरकार ने कोरोना की चेन तोड़ने के लिए कोविड कर्फ्यू भी लगा रखा है, इससे आम आदमी घरों पर रहने को मजबूर है, इससे आम आदमी के कारोबार पर भी फर्क पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। लगातार तेल, रिफाइंड, दाल डके भाव बढ़ रहे हैं। इस वक्त हम एक मंगलोर के किराने की दुकान पर खड़े हैं। इनके मालिक, किराने स्टोर के मालिक से बात करेंगे कि पिछले साल की तुलना में इस बार क्या क्या चीज़ महंगी हुई। लाला जी, जैसे कि बात करें, कोविड कर्फ्यू चल रहा है, तो पिछले साल की तुलना में इस बार क्या क्या चीज़ में बढ़ोतरी हुई? मतलब तेल में भी है, रिफाइंड में भी, घी में, सब चीज़ में आग लग रही थी, दालों में तेजी हल्की सब में है। कितने पैसे बढ़े पिछले साल की तुलना? लगभग समझो 20 रुपये किलो, लगभग 20 रुपये किलो फर्क पड़ रहा है लगभग पिछले साल से अब तक। अच्छा, जैसे कि कुछ पहले खरीदते थे, अब कुछ कमी आई खरीद? अरे खरीदारी कहाँ ले रहे हैं लोग, आधे किलो में आ गए, एक किलो दो किलो लेना, आधे किलो में आ गया, क्या करें बेचारा, जब इतनी महंगाई बढ़ रही है कहाँ से लाओगे पैसे, कहाँ से रहेगा। तो ये थे, इनका ये कहना था कि जो इनकी जो खरीदारी थी, जो खरीद करना आते थे ग्राहक, उनमें भी कमी आई, जो पहले खरीदते थे एक किलो, वे अब आधा ही खरीदे, क्योंकि महंगाई की मार आम आदमी को पड़ रही है। उसके लिए अकेले मत मंगलो। खबर रुड़की से है, जहां कोरोना संक्रमण को मात देकर ठीक हुए मरीजों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल कोविड संक्रमण सबसे ज्यादा फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है।
जो लोग कोविड से ठीक होकर घर लौट चुके हैं उनके लिए रुड़की में एक फिजियोथेरेपी सेंटर जल्द ही खुलने जा रहा है जो फेफड़ों की कमी को ठीक करेगा। और ये बताया जा रहा है कि कोविड के कारण फेफड़ों को कितना नुकसान पहुंचता है। प्रदेश का ये पहला फिजियोथेरेपी सेंटर रुड़की शहर में चालू होगा। पोस्ट कोविड चेस्ट फिजियोथेरेपी एक बहुत ग्रेट नीड है जो इस समय कोरोना से ठीक हो चुके हैं। और कोरोना से ठीक होने के बाद वायरस तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन वायरस जो अपने साइड इफ़ेक्ट्स होता है वो उसमें यह है कि चलने में सांस फूलना, खांसी आना, कमजोरी महसूस करना, ये सारी चीज़ें दिक्कतें रहती हैं। प्लस अगर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स की बात करें तो उनमें फाइब्रस डेवलप होना, स्पूटम कलेक्शन होना, ये सारी चीज़ें बनी रहती हैं। इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए दवाइयों के साथ साथ अगर फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट पेशेंट को मिल जाए तो उसकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है। और अभी हमने देखा कि हमारा रुड़की तो बहुत छोटी जगह है, यहाँ पर इतने हायर सेंटर्स नहीं है, मतलब बड़े हॉस्पिटल्स नहीं हैं, तो कुछ लोग पोस्ट कोविड टेस्ट फिजियोथेरेपी कराने के लिए बाहर भी जा रहे थे। तो मैंने प्लान किया कि क्यों बाहर जाना, छोटी जगह है, ठीक है, हम लोग हैं जो हो सकता है हम दरवेस्ट अपने यहाँ। उत्तराखंड पुलिस मित्र पुलिस का मिशन हौसला जारी है। ये वह हौसला है जिसके लिए आज पूरे प्रदेश की जनता इनको सल्यूट कर रही है। वहीं यह हौसला है जो बेसहारों की आशा है। मदद के लिए बढ़ते इस मित्र पुलिस के हाथ चाहे किसी भी मजदूरी हो, हर तरीके से राजधानी की ये मित्र पुलिस अपना दायित्व मिशन हौसला अभियान के अंतर्गत लोगों में उजागर भर रही है, जिसका कोई नहीं उसके लिए ये मित्र पुलिस हमेशा मदद के लिए खड़ी है। ऐसा ही एक मामला राजधानी देहरादून का है, जहां एक पर सफाई कर्मचारी के पहले तबीयत खराब होती है और उसके बाद यही मित्र पुलिस उसको अस्पताल में उसका उपचार कराती है, लेकिन 55 वर्षीय कोरोना से पीड़ित रमेश की मौत हो जाती है। यहां मदद तब भी नहीं रुकती जब पीपी किट पहनकर पुलिस के जवान इस व्यक्ति का दाह संस्कार पूरी रीति रिवाज से करवाते हैं। लगभग 8:30 बजे की सूचना प्राप्त हुई थी कि कचहरी परिसर में एक वृद्ध व्यक्ति जो काफ़ी लंबे समय से साफ सफाई का काम करता था और कचहरी परिसर में ही होते थे, तो जिनकी कई दिनों से तबियत खराब होने पर जिन्हें कोरोना सेंटर में भर्ती कराया था और उन्हें कोरोना की शिकायत हो गई थी, पर लेकिन वहाँ से वापस आ गए थे और आज सुबह उनकी मृत्यु हो गई है। उनका एक बेटा है, वो भी कबाड़ गिनने का, उनका कोई घर बार नहीं है और यहीं ऐसे सोते रहते। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।